प्रॉब्लम ऑन रेगुलर मार्कअ चेन रेगुलर मार्कअ चेन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम है अ रेड अर्न कंटेन टू रेड मार्बल एक रेड अर्न है जिसके अंदर टू रेड मार्बल्स हैं तो अर्न क्या होता है ये एक स्टोरेज बॉल स्टोरेज बॉक्स टाइप होता है लंबा सा जिसके अंदर चीजें स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है तो एक रेड अर्न है जिसमें टू रेड मार्बल्स हैं एंड थ्री ब्लू मार्बल्स और तीन ब्लू मार्बल्स हैं एंड ब्लू अर्न कंटेन वन रेड मार्बल एंड फोर ब्लू मार्बल तो दो अन्ड से एक रेड है और एक ब्लू है रेड में टू रेड मार्बल्स थ्री ब्लू मार्बल्स है जबकि ब्लू में वन रेड मार्बल एंड फोर ब्लू मार्बल्स हैं अ मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न किसी एक अर्न में से एक मार्बल निकालते हैं दर् कलर इज नोट इड उसके बाद उसका कलर नोट किया एंड द मार्बल इज रिटर्न टू दर्न फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉन उसके बाद जिधर से निकाला था उसी अर्न में उस मार्बल को वापस डाल दिया द नेक्स्ट मार्बल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द अर्न हुज कलर इज़ द सेम एज द मार्बल जस्ट ड्रॉन फिर उसी अर्न में से एक और मार्बल निकालते हैं और उसका कलर भी सेम वैसे ही है जैसे पहले वाले का था यानी अगर पहले वाला रेड था तो बाद वाला भी रेड ही आया पहले वाला कलर अगर ब्लू था तो बाद वाला भी ब्लू ही आया दिस इज़ अ मार्कअ प्रोसेस विथ टू स्टेट्स तो इसमें कितने स्टेट्स हैं इस मार्कअप प्रोसेस में पहले तो ये है कि यह मार्कअप प्रोसेस क्यों है क्योंकि जब भी अर्न को निकाला तो सेम सॉरी जब भी मार्बल को निकाला सेम उसी अर्न में वापस डाला इसलिए हर स्टेट अगली स्टेट के साथ सॉरी हर स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे तो ये मार्कअप प्रोसेस है और इसमें कितने स्टेट्स हैं टू स्टेट्स हैं ड्रॉ फ्रॉम रेड अर्न या रेड अर्न में से मार्बल निकाला और ड्रा फ्रॉम ब्लू अर्न या ब्लू अर्न में से मार्बल निकाला गया हो अब इसके अगेंस्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ ट्रांजिशन ड्राई डाइग्राम फॉर दिस प्रोसेस इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमने ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करना है सेकेंड क्वेश्चन है राइट द ट्रांजिशन मैट्रिक्स ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिखना है और थर्ड है फाइंड द स्टेशनरी मैट्रिक्स एंड डिस्क्राइब द लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ दिस प्रोसेस थर्ड में हमने स्टेशनरी मैट्रिक्स फाइंड करना है और हमने लॉन्ग रन बिहेवियर भी बताना है कि आगे चल के इस प्रोसेस का क्या बिहेवियर होगा तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं इन्होंने बताया कि हमारे पास टोटल दो स्टेट्स हैं रेड अर्न और ब्लू अर्न तो सबसे पहले हम ये दो स्टेट्स के लिए दो सर्कल्स बनाएंगे रेड को आर से डिनोट करें और ब्लू को बी से तो अब हमने इसको देखना है कि रेड से ब्लू में क्या ट्रांजेक्शन है और ब्लू से रेड में इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हर अर्न में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है और ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है तो इसलिए एक को सॉल्व करने से पहले हम ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इन रेड अर्न तो जो रेड अर्न है उसमें रेड मार्बल है टू और ब्लू है थ्री टोटल फाइव है तो फाइव में से टू जो है वो रेड है इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी टू बाई फाइव जिसको हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट फोर इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल इन रेड रेड में ब्लू मार्बल है थ्री बाई फाइव तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीरो पॉइंट सिक्स होगी इसी तरह से नेक्स्ट हमने देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इन ब्लू आन तो जो ब्लू आन है उसमें वन रेड है और फोर ब्लू है इसका मतलब यहाँ भी टोटल फाइव है जिसमें रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी है वन बाई फाइव विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू एन फोर ब्लू मार्बल्स तो इसमें ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है फोर बाई फाइव विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पार्ट ए हमने क्या करना है ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करना है आर को हमने कहा था रेड आर्न और बी को हमने कहा था ब्लू आर्न तो सबसे पहले देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इन रेड आर्न इसका मतलब रेड से रेड में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम रेड टू रेड इसकी प्रोबेबिलिटी है जीरो पॉइंट फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल इन रेड आन रेड आर्ड में ब्लू मार्बल की प्रेजेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है जीरो पॉइंट सिक्स है नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इन ब्लू आन ब्लू आन में रेड मार्बल की क्या प्रोबेबिलिटी है जीरो पॉइंट टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल इन ब्लू आर्न ब्लू आन में ब्रू ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी है जीरो पॉइंट एट तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया हमने ट्रांजिशन डायग्राम ड्रा कर ली सेकेंड है राइट द ट्रांजिशन मैट्रिक्स अब हमने इसी का ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिखना है तो हम ये डायग्राम देख के लिख सकते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स को हम पी से शो करते हैं पी इज इक्वल टू कौन कौन से हमारे पास स्टेट्स हैं आर रेड और ब्लू ये दो स्टेट्स हैं इसी तरह से यहाँ पे भी हम लिखेंगे आर और बी रेड और ब्लू अब इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखनी है रेड से रेड में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.4 यानी रेड अर्न से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है 0.4 रेड अंड से ब्लू मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी है 0.6 पॉइंट यहाँ पे फ्रॉम है और यहां है टू इसके बाद अब हमने देखना फ्रॉम बी टू आर यानी कि ब्लू आर्न से रेड मार्बल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है ज़ीरो पॉइंट टू है इसी तरह ब्लू मार्बल से ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी है जीरो पॉइंट एट तो ये हमारा ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन गया अब लास्ट पार्ट देखते हैं पार्ट सी में कहा हुआ है फाइंड द स्टेशनरी मैट्रिक्स एंड डिस्क्राइब द लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ दिस प्रोसेस अब हमने पार्ट सी में स्टेशनरी मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसको हम एस कहते हैं और इसकी क्या खसूसियत है एस इज़ इक्वल टू एस इन टू पी यानी इसको जब आप ट्रांज़िशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो एस इक्वल इक्वली आएगा एस हमने फाइंड करना हमें नहीं पता इसलिए इसको हम कहते हैं एस वन एस टू तो अब इसको ट्रांज़िशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ट्रांजिशन मैट्रिक्स है इसके साथ हम लिख देते हैं एस वन एस टू और ये किसके इक्वल होगा ये स्टेशनरी मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा यानी एस वन और एस टू यहाँ पे भी आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट फोर एस वन प्लस ज़ीरो पॉइंट टू एस टू इज़ इक्वल टू एस वन इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन होगी ज़ीरो पॉइंट सिक्स एस वन प्लस ज़ीरो पॉइंट एट एस टू इज़ इक्ल टू एस टू इसको मजीद सिम्पलीफ़ाई कर लें तो ये आ जाएगा माइनस ज़ीरो पॉइंट सिक्स एस वन प्लस ज़ीरो पॉइंट टू एस टू इज़ ईक्ल टू ज़ीरो इसी तरह से ये आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट सिक्स एस वन माइनस ज़ीरो पॉइंट टू एस टू इज़ ईक्ल टू ज़ीरो अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो ये डिपेंडेंट है यानी कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो हम थर्ड कंडीशन यूज़ करेंगे जो कि एस वन प्लस एस टू इज इक्वल टू वन अब इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एस वन की वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट टू फाइव और एस टू की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव तो स्टेशनरी मैट्रिक्स एस इक्वल होगा ज़ीरो पॉइंट टू फाइव और जीरो पॉइंट सेवन फाइव हमारा स्टेशनरी मैट्रिक्स आ गया लास्ट में इन्होंने कहा था कि हमने क्या करना है डिस्क्राइब द लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ दिस प्रोसेस तो इसका लॉन्ग रन बिहेवियर क्या होगा ये हमें स्टेशनरी मैट्रिक्स की मदद से पता चलेगा जो हमारा स्टेशनरी मैट्रिक्स है इसमें फर्स्ट किसको शो कर रहा है रेड को और सेकंड शो कर रहा है ब्लू को ये रेड आर्न है और ये ब्लू आर्न है तो इस हमें स्टेशनरी मैट्रिक से पता चला कि इन द लॉन्ग रन द रेड विल बी सिलेक्टेड 25 ऑफ द टाइम क्योंकि ये रेड को शो कर रहा है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ट्वेंटी बनेगा एंड द ब्लू 75 ऑफ द टाइम और ब्लू आर्न को कितनी दफा सिलेक्ट करेंगे 75 ऑफ द टाइम आज की वीडियो में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया रेगुलर मार्कअप चेन से रिलेटेड